हमारे पास द बॉडी ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स आर ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई आर नोन एज डिकम्पोजिशन। क्या है कि आपके पास डेड प्लांट की जो बॉडी और एनिमल्स है, ठीक है, जैसे हमारे पास डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं आर ब्रोकन बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से वो टूट जाते हैं और फंजाई की वजह से वो टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, वो डिकम्पोजर्स करते हैं। आप लोगों को देखा कुछ प्लांट्स डेड हो जाते हैं, कुछ एनिमल्स डेड हो जाते हैं, वो सुकर जाते हैं, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से होते हैं, उनके टूट जाने की वजह से होते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल ऑफ आ फूड चेन, तो फूड चेन का ट्रॉफिक लेवल पढ़ेंगे तो पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। उनका कि हयात मतलब फूड चेन में हयातियात का जो पोजीशन होती है ना, जो जगह होती है, जो वो ट्रॉफिक लेवल कहलाती है। द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू फूड चेन, ठीक है, एनर्जी का फ्लो फूड चेन के जरिए एनर्जी का जो फ्लो है उसको हम पढ़ेंगे। तो मोस्ट फूड चेन्स डू नॉट हैव मोर देन 4 ट्रॉफिक लेवल। उनका है कि जो ज़्यादातर जो हमारे पास फूड चेन होते हैं उनका 4 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं होता, ठीक है। तो बिकॉज सम इनर्जी इज लॉस्ट ईच लेवल एंड कैन नॉट बी पास ऑन द नेक्स्ट, क्योंकि हर इनर्जी हर लेवल में ना बच्चे हमारे पास इनर्जी लॉस होती है, ठीक है, वो अगले तक पहुंच ही नहीं पाती, अगले लेवल तक। सम ऑफ द इनर्जी इज लॉस्ट लेवल, कुछ इनर्जी बच्चे हमारे पास हीट के जरिए लॉस हो जाती है। एंड सम ऑफ द फूड विच इज ईटन रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, और जो बाकी हमारे पास फूड बचता है वो डाइजेस्ट नहीं होता, मतलब हजम ही नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये हमारे पास आज की रीडिंग कम्प्लीट हो चुकी है। तो बच्चे हम आज का डे 2 में हमारे पास क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, व्हाट डज एन इकोलॉजिस्ट डू, तो इकोलॉजिस्ट बच्चे क्या करते हैं। तो आप लोगों ने फर्स्ट 1 डे में रीडिंग को पढ़ा था इकोलॉजिस्ट, तो बच्चे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन देमसेल्स एंड देयर सराउंडिंग। उनका है कि बायोलॉजी कैसी ब्रांच जो आपस में रिलेशन मतलब आपस में ताल्लुकात आपस में रिश्ता पड़ती है, मतलब उनके आपस में ताल्लुकात को पड़ती है एंड देयर सराउंडिंग उनके इर्द गिर्द के साथ ताल्लुकात है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजिस्ट बच्चे क्या करते हैं, तो इकोलॉजिस्ट कौन से होते हैं, पहले उन्होंने आपने अब लोग इकोलॉजी का ये आंसर देना है, उसके बाद आपने कहना है इकोलॉजिस्ट, पहले आपने लिखना है इकोलॉजिस्ट, देन लिखना है इकोलॉजिस्ट स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव इन अ पार्टिकुलर प्लेस, जो एक खास जगह पर रहते हैं, एंड द फिजिकल कंडीशन सच एज लाइट टेम्परेचर वाटर एंड सोइल। यहाँ से लेकर यहाँ पर आपने देखो कार्ड इकोलॉजिस्ट करना है, इकोलॉजिस्ट स्टडी प्लांट्स एनिमल्स यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है आपने, इकोलॉजिस्ट क्या करते हैं और आपके पास इकोलॉजी की ये डेफिनेशन पहले आपने लिखनी है, इन दोनों को आपने यहाँ पर नीट एंड क्लीन राइटिंग में मेंशन कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।